नमस्कार, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। जैसा आपको मैं बता रही थी, बैक टू स्कूल सीरीज में मैं टिफिन बता रही हूँ बच्चों के लिए, फटाफट बनने वाले वो नाश्ते जो आप बच्चों को टिफिन में अब कोविड के बाद दे सकते हैं। तो ये सारा सामान मैं इस्तेमाल करूंगी एक चटपटा पोहा बनाने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं ये कच्ची मूंगफली को फ्राई करूंगी। बच्चों को हेल्दी नाश्ता हमें देना होता है और साथ में हमें ये भी देखना होता है कि बच्चे उसको खा लें और टिफिन खाली लेके आए, तो उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव करना होता है। तो उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये मटर, उबले हुए आलू, टमाटर और ये हरी मिर्च ऑप्शनल है। अगर बड़े खाएं तो आप हरी मिर्च डालिए, बच्चों के टिफिन में आप हरी मिर्च का इस्तेमाल मत करिए। अब देखिए, ये मूंगफली भुन चुकी है तो इसको मैंने रख दिया। आप बहुत ब्राउन ना करिए, क्योंकि बहुत ब्राउन करने में फिर ये गरम जो तेल के अंदर जाती है चीज, तो ये थोड़ी देर और भी पकती रहती है। तो पोस्ट कुकिंग भी है इसका एक प्रोसेस। अब देखिए, ये मैंने प्याज डाल दी और इसी वक्त मैं डालूंगी थोड़ी सी इसमें राई और हम डाल देंगे इसके अंदर कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता आप प्याज के साथ डालिए तो कम चटकेगा, नहीं तो ये बहुत ज्यादा चटकता है। और मिर्च का इस्तेमाल हम कम करेंगे, क्योंकि हम ये चीज बच्चों के लिए बना रहे हैं। ये देखिए, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के पोहे को इस तरह भिगा के रख दिया कि जब तक हमारी सारी चीजें तैयार होंगी, जब तक ये पोहा भी नरम पड़ जाएगा। तो इसको बस रख देते हैं इस तरह से। और मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ी हरी मिर्च, लेकिन बच्चों के लिए आप हरी मिर्च ना डालें। और अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर आलू। पोहे में आप कोई भी बढ़िया सब्जी डालिए, जो भी आपको बच्चों को खिलानी हो। कलरफुल सब्जी जब होती है तो बच्चे कभी भी रेजिस्ट नहीं करते। देखिए, डाल रही हूँ टमाटर। और टमाटर डालते ही हमें डालना होता है नमक, टमाटर को गलाने के लिए। और पोहे के हिसाब से हम डाल देंगे। थोड़ी सी मैंने डाली लाल मिर्च, ये आप बच्चों के लिए बिल्कुल ना डालें। और मैं डालूंगी इसके अंदर अमचूर पाउडर। अगर आपको अमचूर पाउडर नहीं डालना तो आप नींबू भी डाल सकते हैं या चाट मसाला। और इस समय पर मैं डाल दूंगी इसके अंदर मटर। ये फुल मील है, मटर मैंने थोड़ी सी गला ली थी। तो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ी हींग। हींग बहुत जरूरी है डाइजेशन के लिए। और इस समय पे मैं डाल दूंगी इसके अंदर ये मूंगफली। ये देखिए, ये वैसे ही खाने में बहुत ही बढ़िया है। इसी तरह से आप अपना उपमा भी बना सकते हैं। मैं डेली आपको एक टिफिन का आइडिया दूंगी जो सिंपल और बढ़िया होगा। अगर आपके पास आलू बॉयल्ड हैं, मटर उबली हुई है, मूंगफली भी आप फ्राई करके रख सकते हैं, तो 5 मिनट में बनेगा आपके बच्चे का हेल्दी टिफिन। तो देखिए, ये पोहा बिल्कुल इस तरह से थोड़े से पानी से आप भिगा दीजिए। और ये देखिए, बिल्कुल सारा अलग अलग होगा, ये कभी भी चिपकेगा नहीं। पर बहुत ज्यादा इसमें पानी नहीं चाहिए होता है। और ये हो गया हमारा चटपटा पोहा तैयार। और इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया, थोड़ा मैं गार्निश के टाइम पे डालूंगी। ये देखिए, है ना बढ़िया। तो 5 मिनट में बनने वाला आपका एक टिफिन रेसिपी हो गई तैयार। चलिए, अब हम चलते हैं प्लेटिंग की तरफ।
चलिए अब चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। तो मैं इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ। आप इसके साथ अपने बच्चों को पोहे के साथ दे दीजिए एक सीजनल फल, जो भी है। सीजन का फल बहुत जरूरी है। सीजनल एंड रीजनल आप हमेशा याद रखिए। हमको एवोकाडो या कीवी ये सब देने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे मैं इस वक्त पंजाब में हूँ तो मैं प्रेफर करूँगी कि मैं अपने बच्चे को कीनो दूँ, क्योंकि वो रीजनल एक फ्रूट है। तो बस मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ आपके टिफिन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लव सच एक्टिविटीज एंड सच रेसिपीज़।